अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास हमारी गुजरी है उसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था एक्सप्लेनेशन और वर्किंग के साथ। देन अब हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 का जो विज एट द कीबोर्ड है आपका पेज नंबर 40 पे, ठीक है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, अगेन रीड करना है, बहुत ही अच्छे से रीडिंग करनी है उसकी, ठीक है। आफ्टर वेकेशंस में इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, सो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको रीड आउट करना है। देन आप लोगों ने पेज नंबर 41 जो है आप लोगों ने ख़ुद से करना है, बहुत ही ईजी है। चैप्टर रीड करेंगे तो आप लोग को ये बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने क्या वर्किंग करनी है इसकी, और जिन्होंने वर्किंग नहीं की चैप्टर नंबर 5 की उनको मैं अगेन पीडीएफ के ज़रिए वर्क भेज दूंगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, वर्क कंप्लीट करना है अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 41 जो है वो आप लोगों ने करना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। पूरा चैप्टर रीड करने के बाद आप लोग को खुद से ये करना आ जाएगा, ओके। व्हाट डू यू नो अबाउट बैक स्पेस की, बैक स्पेस की क्या करती है, आप लोगों ने जब हमारे पहली क्लास थी मैंने आपको कहा था जिसे रीड करिएगा। बैक स्पेस की जो होती है वो हमारी जो हम वर्ड टाइप करते हैं उसको अगर हमें इरेज करना होता है तो वो क्या इरेज करती है, ठीक है। कंप्यूटर को एंटर करने के लिए हम एंटर की दबाते हैं, ठीक है। इरेज करने के लिए हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, और एंटर करने के लिए एंटर की का, और अगर हमें किसी वर्ड में स्पेस चाहिए हो तो हम स्पेस बार की यूज़ करते हैं। इतनी बड़ी सी जो ये होती है ना स्पेस बार की, इसको यूज़ करते हैं। मैं आपको कीबोर्ड में भी दिखा देती हूँ, ये आपको नज़र आ रही है सबसे बड़ी की जो है वो स्पेस बार की है। आप लोग भी अपने घर में कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में चेक कीजिएगा, आपको ये सारी कीज़ क्या शो होंगी। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं पीडीएफ के ज़रिए वर्क भेज दूंगी, और आप लोगों ने क्या पेज नंबर 41 करना है खुद से, ठीक है। बहुत ही इजी है, कलरिंग करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रीडिंग करनी है इस चैप्टर की। मैं पूछूंगी आप लोगों से इससे क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।